Good morning all, this is Dr. Preeti from NDK Nirogam Private Limited. Welcome to our channel. आज हम जिस herb और spice की बात करने जा रहे हैं वो बहुत famous ingredient है Asian cuisine में. Specially India में हर घर के kitchen में उसका use किया जाता है, जिसे कि हम ginger या adrak कहते हैं. Ayurveda में adrak को महाऔषध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि एक लाइफ के लिए, एक लिविंग बींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि अदरक में प्रॉपर अमाउंट में वाटर है, फैट्स हैं, फाइबर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं. इसके अलावा वो न्यूट्रिशियस एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट है, जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, वाइटामिन हो गए, मैग्नीशियम हो गए. तो आज हम जानते हैं कि किस तरह से अदरक को हम सिर्फ एक टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसको हम एक हर्ब की तरह, एक मेडिसिन की तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं. आयुर्वेदा में अदरक को वातहर और कफहर कहा जाता है. वातहर का मतलब है वायु से बढ़ने वाले रोग. जो भी बीमारियाँ हमें वायु से होती है उसको ये कम करता है. दूसरा, जो कफ से बढ़ने वाले रोग होते हैं, जैसे कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एस्थमा हो गया, फैट हो गया, ओबेसिटी हो गई, तो उनको भी ये कम करता है. चरक संहिता में अदरक को पाचक कहा जाता है, क्योंकि अदरक में वो फिनोलिक कंपाउंड है जो कि हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करता है. अदरक में जो फिनोलिक कंपाउंड होता है उससे जो हमारा सलाइवा होता है और बाइल जूसेस होते हैं वो एनहांस होते हैं, जिससे कि फूड की जो डाइजेशन होती है वो बहुत स्मूथली होती है. इसके अलावा अदरक को हम काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. हम उसको फ्रेशली यूज़ कर सकते हैं, हम उसका सुखा के उसको पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हम सौंठ बोलते हैं या शुंठी बोलते हैं. जिंजर ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं. अदरक को एंटी इंफ्लामेटरी बोला गया है, एंटीवायरल बोला गया है, एंटी कार्सिनोजेनिक बोला गया है. इन्फ्लामेशन के लिए अदरक जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है. जिन भी लोगों को एस्थमा रहता है, जिन भी लोगों को सीजनल ब्रोंकाइटिस रहता है, जैसे कि जैसे ही मौसम चेंज होता है खांसी हो जाना, कफ बढ़ जाना, उनके लिए अदरक जो है वो बहुत मिरेकुलस काम करता है. स्पेशली हम बहुत सारे पेशेंट्स को जो है, बहुत सारे मरीजों को हम अदरक का रस जो है वो लेने के लिए बोलते हैं. आपने करना क्या है, सिंपली आपने अदरक का जो रस है, अदरक का जो स्वरस है, उसको शहद में मिला के दिन में दो बार देना है. जिन लोगों को बहुत कफ रहता है, जिन लोगों को बहुत सांस चढ़ने की दिक्कत रहती है, उनके केसेस में आप रोज़ रात को अदरक का एक टुकड़ा दूध में उबाल के दीजिए. 15 दिन ऐसे करने से उनकी जो कफ जमा हुई है, जो उनकी सांस लेने में तकलीफ होती है, उसमें बहुत आराम मिलेगा. जिन लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि ये डाइजेस्टिव इश्यूज़ में बहुत हेल्पफुल है, उन लोगों के लिए बहुत सिंपली है. आप अदरक का पाउडर 1.2 ग्राम खाना खाने से पहले, लंच से आधा घंटा पहले और डिनर से आधा घंटा पहले ले सकते हैं. इसके साथ साथ आप अदरक का छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं लंच से आधा घंटा पहले और डिनर से आधा घंटा पहले. अदरक को मसल पेन में बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है. जिन भी लोगों को माइग्रेन रहता है, अदरक उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है. आपने सिंपली करना क्या है, माइग्रेन के पेशेंट्स को, सर दर्द के पेशेंट्स को जिंजर ऑयल जो है वो अपने सर पे अप्लाई करें. अदरवाइज आप जिंजर को क्रश करके उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने सर पे अप्लाई करें. उसके साथ साथ जिन लोगों को वात विकार है, जैसे कि संधि विकार हो गए, संधि वात हो गया, आम वात हो गया, जिसको कि हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ों में बहुत सूजन रहती है, उस केस में आप जिंजर ऑयल की मसाज कर सकते हैं. उसके साथ साथ अदरक का टुकड़ा जो है उसको अपने घुटनों पे या जहाँ पे भी जोड़ों में दर्द रहती है वहाँ पे उसको बांध के रख सकते हैं. उसके साथ साथ जिन लोगों को मोटापा बहुत है, मोटापे से ग्रसित जो लोग हैं, उनको उसमें क्या करना है, सुबह अदरक का रस निकालना है और उसमें थोड़ा सा नींबू डालना है, उसको उबाल लेना है और सुबह खाली पेट उसको लेना है. फैट बर्न के लिए बहुत अच्छी विधि है जिन लोगों को भी मोटापा है. इसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्चेज में ये पाया गया है कि जो अदरक है वो एंटी कार्सिनोजेनिक है. अदरक में जिंजर ऑयल नाम का कंपाउंड होता है जो कैंसर सेल की मल्टीप्लिकेशन जो होती है, जो कैंसर सेल मेटास्टेटिक हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में और कोलन कैंसर में. तो आप अदरक को अपनी सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं, उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मेडिसिन की तरह यूज़ करें और उसके फ़ायदे लें.
तो इसी तरह से अब मैं विदा लेती हूँ। अगली वीडियो के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आप अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली से हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।